अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कल जो मुर्ग छूट कर लड़ लिया था, धावल में से निकल गया था, जिसकी वजह से मारा लग गए थे इसको लड़ लेने की वजह से। और कल हम इसका ट्रीटमेंट भी करे थे दोस्तों, इंजेक्शन दिए थे, गोलियाँ खिलाए थे इसको और ट्यूब भी लगाए थे। तो आज देखिए ये मुर्ग को, इसके जो ज़ख्म थे दोस्तों वो काले पड़ गए हैं। ये देखिए अब कम हो रहा है इसको। इधर भी देखिए ये भी ज़ख्म काले पड़ गए इसके, अब कम है, कल से अब बहुत फ़र्क है इसको। और अब हम आज भी कल के वैसा ही ट्रीटमेंट करेंगे इसका, जैसा हम इंजेक्शन दिए थे और गोलियां खिलाए थे, ट्यूब लगाए थे, उसी तरीके से आज भी इसको ट्रीटमेंट करेंगे दोस्तों। और इंजेक्शन देने से पहले दोस्तों हम इसको सेके दे लेंगे पहले। चलिए देखते हैं हम सेका किस तरीके से देना है।
तो सेका देकर मैं थोड़ी देर छोड़ दिया हूँ था दोस्तों, और अब मैं इसको इंजेक्शन दूंगा और ट्यूब भी लगाऊंगा। ये कल जो हम दिए थे इंजेक्शन एम्पीलॉक्स C250mg, और आज भी एक दे देंगे, और ये कल एक एक गोली खिला दिए थे, और आज भी हम ये गोली खिला देंगे। ब्रूफिन 200mg टैबलेट और रैनटेक 150mg टैबलेट, ये दोनों भी टैबलेट खिला देंगे दोस्तों। ये देखिए, ये दोनों टैबलेट खिला देंगे। इंजेक्शन दे देंगे। तो अच्छा हिला लेंगे। ये देखिए मिक्स हो गया ये, और ये सरन में निकाल लेंगे हम। ये 24 नंबर की निडिल है दोस्तों, ये निडिल से हम नहीं देंगे। ये 26 नंबर की निडिल ले लेंगे, छोटी निडिल रहती है, बच्चों को देने की निडिल रहती है, हम ये निडिल लेंगे छोटी निडिल। इसके एयर बबल्स रहते हैं, ये एयर बबल्स निकल जाना है। ये देखिए पूरे एयर बबल्स निकल गए इसके। अब इसको हम ये देखिए थोड़ा पानी लगा लेंगे इसको हम, यहाँ जहाँ पर हम इंजेक्शन दे रहे हैं वहाँ पर थोड़ा पानी लगा लेंगे। पानी लगाने से इसके परां हट जाते, ये हम आसानी से इंजेक्शन अब दे सकते हैं इसको। ये चमड़ा ऐसा पकड़ लेंगे हम, चमड़ा और गोश के बीच में आना है देखिए दोस्तों ये निडिल। जब भी हम मुर्गों को इंजेक्शन देंगे और चमड़ा ऐसा उठा लेंगे इसका, उठाकर चमड़ा और गोश के बीच में देना है। ये देखिए निडिल, ये चमड़ा मैं उठा लिया हूँ, ये निडिल को चमड़े और गोश के बीच में आ गई। देखिए अब हम ये दे देंगे इंजेक्शन। ये देखिए